हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महादेव एजुकेशन सोसाइटी का छात्र हूँ और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाईफाई राउटर से स्विच को कैसे कनेक्ट करें। वाईफाई राउटर को नेटवर्क स्विच से कनेक्ट करने के लिए पावर अडेप्टर, यूटीपी केबल, वाईफाई राउटर और नेटवर्क स्विच की आवश्यकता होती है। ये वाईफाई राउटर है हमारा और ये पावर पोर्ट है और ये वैन पोर्ट। इसमें पब्लिक नेट लगाते हैं और इसमें यूटीपी केबल जिसके जरिए से हम पब्लिक नेट को पर्सनल नेट बनाते हैं। इसे हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाकर चला सकते हैं। और ये हमारा रिसेट बटन है जिसकी सहायता से हम राउटर को रिसेट कर सकते हैं। अब हम अपने वाईफाई राउटर को सबसे पहले पावर सप्लाई देते हैं। फिर हम इसमें पब्लिक नेट को लगाते हैं। पब्लिक नेट को हमेशा वैन पोर्ट में लगाते हैं। फिर हम इसमें तीन पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट में यूटीपी केबल को लगाते हैं और फिर हम यूटीपी केबल के दूसरे सिरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाकर नेट चला सकते हैं। और अगर हमें एक से ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर में नेट चलाना है तो हमें एक नेटवर्क स्विच की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा नेटवर्क स्विच है, इसमें 24 पोर्ट दिए हुए हैं। हम इसमें किसी भी एक पोर्ट में लगा इसके यूटीपी केबल के दूसरे सिरे को लगा सकते हैं और बचे हुए पोर्ट में हम अपने कंप्यूटर के पोर्ट से कनेक्ट करके नेट चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है वाईफाई राउटर को नेटवर्क स्विच से कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।